रुझानों में बीजेपी आगे बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर दूसरे और तीसरे राउंड में स्पष्ट बहुमत मिलती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, दूसरे राउंड में नेपा नगर की बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा काजरेकर 2200 वोटों से आगे चल रही है। तो दूसरे और तीसरे राउंड के रुझान है ये। तीसरे राउंड में सुवासरा से हरदीप सिंह डंग आगे चलते रहे हैं और इसके साथ ही शुरुआती रुझानों के हिसाब से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, देवश्री माली जी, शुरुआती रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे किस तरीके से इस ट्रेंड को हम देखें, क्या हम मान सकते हैं बीजेपी को स्पष्ट बहुमत यहाँ पे आगे भी मिलेगी? हाँ बिल्कुल, कितना भी परिवर्तन हो जाएगा लेकिन ये तय है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। वैसे भी बीजेपी को सदन में स्पष्ट बहुमत के लिए बहुत कम वोटों की आवश्यकता है, 6-7-8 वोट चाहिए थे जो सारे लोगों का अनुमान था कि ये आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन जैसा माना जा रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर होगी, लेकिन वो कांटे की टक्कर कम से कम पहले दूसरे और तीसरे राउंड के चुनावों में तो नहीं दिखाई दे रही। हाँ थोड़ा बहुत परिवर्तन ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर हो सकता है, लेकिन अगर ये भी अंतर कुछ ज्यादा जाएगा तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत परिवर्तन नहीं होगा। हम जैसे देख रहे हैं कि भिंड में एक और सीट पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी आगे चल रही है, मुरैना में 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये जो परिवर्तन आ रहे हैं ये अभी देखना